रीवा में नकली सीमेंट की फैक्ट्री चलाने वाला गिरफ्तार, 6 बुलकर वाहन भी हुए जब्त, 2000 बोरी सीमेंट बरामद। रीवा जिले के गढ़थाना अंतर्गत घूमा गांव में राखड़ मिलाकर नकली सीमेंट की फैक्ट्री चलाने वाला असली मालिक गिरफ्तार हो गया है। बताया गया कि 16 जून को गढ़ पुलिस ने एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर दबिश दी थी। बगीचे में चल रही नकली फैक्ट्री से 6 बुलकर वाहन जब्त हुए थे, साथ ही विभिन्न वाहनों में लोड होने के लिए रखी 2000 बोरी सीमेंट बरामद की गयी। इस मामले में गढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर आधा दर्जन से ज्यादा आरोपी बनाए थे, लेकिन मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसको 1.5 महीने बाद पकड़ लिया गया है। बता दें कि 1 सप्ताह तक चली जांच के बाद कई लेबरों को गिरफ्तार किया गया था, साथ ही रखड़ भेजने वाले और नकली माल खरीदने वाले आरोपियों को चिन्हित किया गया था। ये है मामला। गढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक RK गायकवाड़ ने बताया कि नकली सीमेंट फैक्ट्री के मालिक राम कुमार उर्फ पप्पू मिश्रा निवासी घूमा गाँव को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है। वह गढ़ कटरा मार्ग स्थित घूमा गाँव में खेत के बीचों बीच पेड़ों के नीचे नकली सीमेंट फैक्ट्री चला रहे थे। 16 जून को आधा दर्जन थानों का पुलिस बल लेकर एक साथ दबिश दी गई थी। तब बलकर मिलाया गया राखड़ जब्त हुआ था, साथ ही असली सीमेंट मिलाकर आधा दर्जन कंपनियों की नकली पैकिंग कर डीलरों के लिए तैयार माल पकड़ा गया था। वर्षों से चल रहे काले कारोबार की शिकायत SP के पास आई थी, जिसके बाद दबिश दी गई है, जहां 3 ट्रक, 2 बलकर, 1 पिकअप, 2000 बोरी सीमेंट सहित करोड़ों का माल जब्त किया था। ये गढ़ थाना अंतर्गत कटरा के पास घूमा जो है मौजा है, जहां पर नकली सीमेंट काफ़ी तादाद में पकड़ी गई थी, जिसमें से 6 गाड़ियां और में सीमेंट भरी हुई वो हम लोग जो जब्त करके जो लाए हैं, जिसमें से एक आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका था, जिसे जो जेल भेजा गया है। अन्य आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें से उस एक प्रमुख आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है। कुछ आरोपी अभी भी शेष हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है और जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। 5 आरोपियों में कितने आरोपी पकड़े जा चुके हैं? अभी 2 आरोपी, 2 आरोपी, और जिसमें से 3 अभी नामजद आरोपी हैं, जिनकी भी गिरफ्तारी उनके मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके अलावा विवेचना में अन्य आरोपी भी बढ़ाए जा रहे हैं। उसमें क्या कोई खाली बोरियां भी कंपनी की मिली हैं? हाँ, प्रिज्म सीमेंट और अल्ट्रा ट्रेक कंपनी की खाली बोरियां भी मिली हैं, भरी हुई बोरियां भी मिली हैं, असली सीमेंट भी मिली है, नकली सीमेंट भी मिली है। थाना क्षेत्र पर या आपके कार्य क्षेत्र में क्या अभी भी कोई सीमेंट के कारोबार अवैध संचालित है कि नहीं? नहीं, अभी इस तरह से कोई कारोबार संचालित नहीं है, सभी पर पूर्णतः विराम लग चुका है। साहब, जो आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम क्या है? महेंद्र प्रसाद उर्फ पप्पू मिश्रा, निवासी घूमा। उनको पकड़ा गया है? उनको जो पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज रिमांड में न्यायालय भेजा जा रहा है।